क्या नाम है जी आप? सर राम सजीवन दास। कहाँ से हैं आप? सर लुधियाना से। तो आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? सन 2019 14 जुलाई को। तो उससे पहले आप क्या भक्ति साधना करते? सर राधा स्वामी से भक्ति करते से 2002 में दास ने नाम लिया था संत ठाकर सिंह महाराज जी से। तो आखिर ऐसे क्या आपके ऊपर मुसीबत आन पड़ी है, ऐसा क्या आपके साथ हुआ जिसकी वजह से आपने उनको छोड़ करके संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली है? हाँ सर, इसका बात ऐसा है कि हमारे मानव के अंदर में कहते थे कि भक्ति करो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन दास को कुछ दिखाई नहीं दिया। एक दिन दास रात्रि को बैठा हुआ था, साधना कर रहा था, तो सहज समाधि में जब गए तो ऊपर क्या देखा कि हमारे गुरुदेव संत ठाकर सिंह जी महाराज अंदर में प्रकट हुए, और प्रकट होने के बाद एक बियाबान जंगल में ले गए जहाँ पे भांत भांत के जानवर थे। तो दास ने कहा महाराज आप आज जंगल में लेके आ गए? बोले हाँ बेटा, आज यहाँ एक ज़रूरी काम था इसलिए मैं तुझे जंगल में लाया हूँ। तो वहाँ एक जंगल में एक लोमड़ा घूम रहा था, बोले ये तेरा बाप है जो मर चुका है, ये लोमड़े की जूनी में आया है और अब मैं इसकी मुक्ति करूँगा। तो दास ने अरदास की महाराज ये हमारे बाप लोमड़े की जूनी में आ गए, आप इनकी मुक्ति करें। तो उन्होंने ऐसे हाथ किया और लोमड़े की मृत्यु हो गई। लेकिन वो गुरु नहीं थे, वो ज्योति निरंजन काल बहुरूपिया था जो ठाकुर सिंह का भेष बना करके आया हुआ था। थोड़े समय के बाद दास जब गांव में गया तो वहां क्या देखा, एक दास की छोटी बहन थी तो उसके ऊपर 14 प्रेतों का साया था और उसी में हमारे वो पिताजी भी बोल रहे थे। तो जब उनके पास तांत्रिक आया और तांत्रिक ने झाड़ फूँक शुरू की तो दास भी वहाँ जाकर बैठ गया। तो बोला ये हमारा बेटा है जो लुधियाना में रहता है। तो हमने कहा ये बात झूठी हो गई, गुरुजी कहते थे पिताजी तर गए और पिताजी हमारे प्रेजूनी में चले गए। चलो दास ने इस बात का भी नकार दिया कि चलो होगा कोई बात नहीं, आगे देखा जाएगा। तो थोड़े दिन के बाद हमारे ऊपर कष्ट के ऊपर कष्ट आए, बच्चे बीमार रहे, हमारी वाइफ बीमार रही और हम भी बीमार रहे, लेकिन गुरु की तरफ से हम लोगों को कोई लाभ नहीं मिला। समय बीतता गया। तो एक दिन दास ऐसे ही घर में काम कर रहा था तो मोबाइल में यूट्यूब में प्रोग्राम लगाया संत कृपाल सिंह महाराज जी का, तो वो प्रोग्राम नहीं आया, संत रामपाल जी महाराज जी का प्रोग्राम आया। फिर हमने उसको डिलीट कर दिया, फिर लगाया कृपाल सिंह कह करके, फिर संत रामपाल जी का प्रोग्राम आया। तो दास ने कहा चलो इन्हीं का सुन लो। तो जब पहला प्रोग्राम सुना महाराज जी का तो महाराज जी सुना रहे थे बलख बुखारे का जो अधम इब्राहिम था, जब उसका सत्संग सुनाया तो दास जो है बिल्कुल राधा स्वामी से विमुख हो गया। क्यों विमुख हो गया कि ऐसा ज्ञान उनके पास नहीं था। अंत में 4 दिन तक दास सत्संग सुनता रहा। तो एक दिन गुजरात के एक प्रचारक थे रोहित सरदाना जी, उनका जब रियलिटी शो आया, जब उन्होंने पूरी बात बताया प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद, मैंने 5 साल का बच्चा मिशन में दान दिया था और 10 साल भक्ति के बाद वो बच्चा शरीर छोड़ गया और गुरु जी ने बताया कि 13 बच्चा सतलोक पहुँच गया। तो वो डिस्कस करने के लिए सूरज से जब बरवाला संत रामपाल जी के महाराज जी के पास आए तो महाराज जी ने मस्तक पे हाथ रख करके रोहित सरदाना को सब कुछ जब दिखाया तो रोहित सरदाना घबरा गया कि अरे हम किस गुरु के चक्कर में फंस गए, कहाँ कैसे क्या कर रहे थे। तब उसने जब सब कुछ देखा तो वो लड़का अंदर बोलता है नर्क से कि ए पिताजी आप जहाँ पे खड़े हो ये शुद्ध परमेश्वर का घर है, आप यहाँ से ज्ञान ले लो तो आपकी भी मुक्ति हो जाएगी और हमें भी यहाँ से मुक्ति हो जाएगी। तब दास ने कहा कि देखो लोग कैसे गुरुओं के चक्कर में फंसे हुए हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। तो सबसे पहले दास ये विनती करेगा उन लोगों से जो वहाँ जुड़े हुए हैं, उनके पास नाम पूरा नहीं है, ये नाम काल का है। तुलसी साहिब ने कहा 5 नाम काल के जानो तब दानी मन अंतर आनो। तो संतों ने कहा है और साहब कबीर ने भी लिखा है कि संतो शब्द ही शब्द बखाना। इसी में 5 शब्द जो नाम देते हैं, 5 नाम का वर्णन है, कौन से नाम को गोरखनाथ ने जपा, कौन से नाम को ब्रह्मा विष्णु महेश ने जपा, कौन से नाम को सुखदेव मुनि ने जपा, कौन से नाम को उनके बच्चे क्या नाम था उनका उन्होंने जपा, कौन से नाम को जनक ने जपा। तो 5 नाम को अलग अलग तरह से बताते हैं कबीर साहब जपा गया, लेकिन राधा स्वामी में एक ही नाम देते हैं जो काल का नाम है और इससे मुक्ति किसी की नहीं होगी। सत साहिब। तो
आपके साथ कोई अनुभव भी हुआ है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है संत रामपाल जी से जो भी जुड़ते हैं उनके साथ बहुत ही अनुभव होते हैं, बहुत ही चमत्कार होते हैं, तो क्या ऐसा आपके साथ भी कोई चमत्कार? हाँ सर, बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। 10 जुलाई को रात्रि के समय संत रामपाल जी देह रूप में प्रकट हुए, और प्रकट होने के बाद महाराज जी ने कहा कि बेटा जो तुम ये भक्ति कर रहे हो ये भक्ति काल की है। तो दास ने कहा महाराज भक्ति तो कर रहा हूँ। बोले नहीं, बंदी छोड़, कबीर साहब की भक्ति कर। इतनी बात होने के बाद महाराज जी से हमारी दो चार बातें हुई, तो महाराज जी ने कहा जो ये तू नाम जप रहा है ये नाम काल का है, और दास के ऊपर ऐसी कृपा की महाराज जी ने वो रास्ता दिखाया नरक का। बोले ये जो पांच नाम जप रहा तुझे इस रास्ते से जाना है। तो दास को बहुत ज़ोर से वहाँ पे पेट में दर्द हुआ और टट्टी जाने लगा, तो वहाँ पे जो जमदूत थे वो मेरे को टट्टी पेशाब भी नहीं बैठने देते थे। 3-4 जगह ऐसे प्रयास किया, लेकिन जब कहीं नहीं बैठने दिया तो दास हताश होकर के बैठ गया। और जब सुबह प्रातः हुए, जब लेटरिन में गए, तो जो महापुरुषों का मैंने गले में लॉकेट धारण कर रखा था, जिस टाइम पजामे का नाड़ा खोला तो वो लॉकेट टूट करके फलस के अंदर गिर गया। फिर 14 तारीख 2019 जुलाई में दास ने फिर आकर के संत रामपाल जी महाराज से नामदान लिया, और नामदान लेने के फायदे तो बहुत ज़्यादा हुए। दास को शरीर में अनेकों कष्ट थे, वो सब दूर हुए, और ठीक 15वें दिन नामदान लेने के बाद संत रामपाल जी फिर प्रकट हुए प्रातःकाल 4 बजे, और अपने आप बैठ करके जिस कमरे में आरती लगाते हैं वहाँ पर महाराज जी अपने आप आरती पढ़ रहे थे। तो दास जब सुबह उठा तो देखा कि हमारा टीवी भी बंद है, डीवीडी भी बंद है, मोबाइल भी बंद है, ये आरती कैसे हो रही। दास जब उठ करके गया तो क्या देखता है, संत रामपाल जी महाराज बैठे हुए आरती पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत लाभ हुए हैं। पहले हमसे बच्चे बहुत नफरत करते थे, जब राधा स्वामी से जुड़े हुए थे कोई बुलाते नहीं थे बच्चे बहुए, लेकिन जब दास संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा तो बच्चे बहुए सब बहुत प्यार से बोलते हैं और बहुत प्यार से रहते हैं। तो आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, खासकर उन राधा स्वामी वालों को जो वहाँ पर काफ़ी समय से जुड़ करके अपना जो समय बर्बाद कर रहे हैं? हाँ, दास ये उनसे विनती करेगा कि ऐसे गुरुओं के चक्कर में ना पड़ें, उनके पास नाम पूरा है नहीं, भक्ति पूरी है नहीं। देखो देखी भक्ति ना करें, भक्ति जो हमारे धर्म शास्त्र वेद पुराण रामायण कुरान बाइबल जो कहती है उसका अध्ययन करें, और उसके अध्ययन के मुताबिक अगर संत रामपाल जी का ज्ञान लें तो सेम टू सेम आपका ज्ञान मिलेगा गीता और भागवत और पुराण के मुताबिक। बाकी संतों का किसी का कोई ग्रंथों से मिलान नहीं है, मनमाना आचरण है, मनमाना भक्ति है, और लोगों ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। धन्यवाद जी।